अस्सलामु अलैकुम। प्राइज बाँड और टाई लॉटरी खेलने वाले तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। मैं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चांद टीवी। दोस्तों, GTL थाईलैंड लॉटरी 30/12/2023 के लिए ये रूटीन है। रूटीन में आगे जाने से पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँ कि ये ड्रा 30 तारीख को होगी, साल की आखिरी ड्रा है, तो 30/12 को ये ड्रा होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रूटीन की तरफ चलते हैं। रूटीन हमारी स्टार्ट है 16/03/2023 से। ये ब्रोकर मैंने लेके हुए हैं 025873। ये 3 महीने बाद इसके सामने हमने ड्रा खेलनी है। यानी यहाँ पे मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ, ये 16/03/23 को ये ड्रा हुई, 025 के इसके सामने 01/04 को हमने ड्रा किया ली। यानी ठीक 15 दिन बाद जब ड्रा होनी थी, तो इसके लिए हम अपने टेंडोला हम फाइनल करेंगे। तो इसी तरह ये 26/48 और इसके सामने हमने 01/07 यानी 3 महीने बाद और इसके सामने 15 दिन बाद हमने ड्रा खेलनी है। तो ये 3 महीने बाद जो ड्रा हुई, इसके सामने हमने ड्रा खेलनी है। इसके लिए हमने अपना टेंडोला निकालना है। तो इसी तरह हमने ये ब्रोकर मैंने लिखे हुए हैं 025873 26/48/72 32/812 और अब लगा 35/67/57। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने रूटीन की तरफ रूटीन का आगाज़ करते हैं। तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप दोस्तों को बता दूँ, ये रूटीन मैं फर्स्ट के लिए ओपन जो दे रहा हूँ, इसमें से कोई ओपन मिस नहीं होता। इसमें 3 ओपन निकलते हैं और तीनों, एक ओपन फर्स्ट में और 2 सेकंड में लगते हुए आ रहे हैं। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा। इस ओपन को जो आंकड़े इंशाल्लाह बनाएंगे, तो इसमें से फर्स्ट का आंकड़ा और फर्स्ट के टेंडोले आप दोस्तों को दूंगा। ओपन के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, ये लास्ट वाले 2 फिगर हमने लेने हैं, 5वां और 6ठा फिगर। 7+3 इसका जवाब हमारे पास आएगा 10 का। ये एक को हम करते हैं स्किप, एक को हम करते हैं स्किप, हमारे पास रह गया 0। तो ये 0 हमारा ओपन बनेगा और ये 3 और इसका होम, ये हमारे पास 3 ओपन आ गए, 0, 3 और 8। अभी यहाँ पे इसके सामने 15 दिन बाद हमने ड्रा खेलनी है, तो इसके सामने मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हो 025873। तो ये 0 का ओपन फर्स्ट में लगा, 3 का ओपन सेकंड में लगा और ये 85 का टंडोला आप दोस्तों को पता है, आप सारे दोस्तों ने विन किया था 8 का सेकंड में, 3 और 8 सेकंड में आए 0। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हो हमारे पास 3 ओपन बने, तो 0 फर्स्ट में लगा, 3 भी सेकंड में लगा और 8 भी सेकंड में लगा। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 26/48/72। तो यहाँ पे हम ये 5वां फिगर उठाते हैं और 6ठा फिगर उठाते हैं, इसको जमा करते हैं, 7+2 जवाब हमारे पास आएगा 9। तो ये 9 हमारे पास एक ओपन हो गया और 2 और इसका होम लेंगे 6ठे फिगर का, 2 और 7, ये हमारे पास 3 ओपन आ गए। यहाँ पे ये अब दोस्तों को दिखा दूँ, ये 26/48/72, तो इसके सामने ये 9 फर्स्ट में लगा, ये 2 सेकंड में लगा और ये 7 सेकंड में लगा। तो तीनों ही ओपन कामयाब रहे 9, 2 और 7 के। इसके बाद 32 यानी 3 महीने बाद 32/08/12 लगा, तो 5वां फिगर 1 है और 6ठा फिगर 2 है, दोनों को आपस में जमा करते हैं, जवाब हमारे पास आएगा 3 का। और ये 6ठे फिगर
छठा फिगर दो है, दो का होम सात। तो यहाँ पे आप दोस्त ये 32 08 12 16 09 को ड्रा हुई, इसके सामने ये सात का ओपन फर्स्ट में लगा और तीन का ओपन ये सेकंड में लगा और ये सात का ओपन सात दो दफा लगा है। सात यहाँ पे हमारे पास तीन दो और सात के ओपन थे, तो तीन का ओपन सेकंड में लगा, सात का ओपन फर्स्ट में भी लगा और सेकंड में भी लगा। अब आने वाले ड्रा के लिए हमारे पास कौन से ओपन निकलते हैं यहाँ पे देखते हैं। पांचवा फिगर हमारे पास है पाँच का और छठा फिगर है सात का, दोनों को आपस में जमा करते हैं। 5 + 7 जवाब हमारे पास आएगा 12 का। ये एक को हम करते हैं स्किप, दो हमारे पास रह गया और सात और इसका होम, यहाँ पे हमारे पास दो ही ओपन बनते हैं यानी दो और सात, दो सात, ये दो हमारे पास ओपन रह गए। तो आने वाले ड्रा के लिए हमारे पास दो और सात के ओपन हैं। क्लोज का तरीक़ाकार आप दोस्तों को समझा देता हूँ, उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपका और मेरा साथ बरकरार रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। क्लोज के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, क्लोज के लिए हमने ये लास्ट डिजिट लेना है और इसका होम। लास्ट डिजिट हमारे पास है तीन का, तीन का होम लेते हैं आठ। इसके साथ हम आंकड़े बनाएं तो छह आंकड़े आपके पास बनते हैं, 03 08 फिर 33 और 38 83 और 88 के छह आंकड़े, जिसमें से फर्स्ट होने वाला आंकड़ा था 08 का। इन छह आंकड़ों में से 08 का आंकड़ा फर्स्ट में पास हुआ। सेंटर आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास छठा फिगर है दो का, तो दो और सात ये हमारे पास क्लोज है, दो सात हमारे पास क्लोज आ गए। आंकड़े हम बनाएं तो 92 27 22 27 72 और 77 के, इन छह आंकड़ों में से पास होने वाला आंकड़ा था 92 का फर्स्ट में। इसके बाद हमारे पास फिर दो का लास्ट डिजिट है, तो दो और सात हमारे पास क्लोज आ गए। आंकड़े बनाएं तो 32 37 72 और 77 के, तो पास होने वाला आंकड़ा था फर्स्ट में 72 का। अब आने वाले ड्रा के लिए हमारे पास छठा फिगर है सात का, तो वही हमारे पास क्लोज आ रहे हैं दो और सात के, और यहाँ पे दो और सात के हमारे पास ओपन है, सात और दो के हमारे पास क्लोज है। यहाँ पे चार आंकड़े बनते हैं। पहला आंकड़ा बनेगा 27 का, दूसरा आंकड़ा बनेगा 22 का, तीसरा आंकड़ा हमारे पास बनेगा 77 का और 72 का। ये चार आंकड़े हमारे पास बने। सेंटर के लिए दोस्तों क्या करना है, सेंटर बहुत ही सिंपल सा काम है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हो चौथा फिगर हमने लेना है, चौथा फिगर हमारे पास है आठ का, आठ से एक कम करते हैं तो सात और दो, पास होने वाला आंकड़ा था 08 का, तो पास होने वाला सेंटर था सात का, तो 087 का टंडोला फर्स्ट में पास होता है। आप दोस्तों को ग्राफ पे दिखाया भी है। यहाँ पर चौथा फिगर आठ है,
सेंटर के लिए तो इससे एक कम करेंगे तो 7 और 2, ये हमारे पास 7 और 2 हमारे पास सेंटर आ गए, तो पास होने वाला सेंटर था 2 का, पास होने वाला आंकड़ा था 92 का। आप दोस्त अपने ग्राफ पे चेक कर सकते हो, 92 2 का टेंडोला यहाँ से फर्स्ट में पास होता है। यहाँ पे देखें तो फिर चौथा फिगर 8 है, 8 से एक कम करते हैं तो 7 और 2 हमारे पास सेंटर थे, तो यहाँ पे आंकड़ा पास होने वाला था 72 का और सेंटर 7 का यहाँ से विन होता है, तो 72 7 का टेंडोला यहाँ से फर्स्ट में पास होता है। अब आने वाले ड्रा के लिए हमारे पास चौथा फिगर है 7 का, 7 से एक कम करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 6 का, 6 का होम लेंगे एक। आंकड़े हमारे पास है 27 22 77 और 72, इसके साथ ये 2 सेंटर लगाएंगे तो टेंडोले हमारे पास सिर्फ 8 टेंडोले बनेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने हैं, अब मैं लिख देता हूँ 27 6 27 1 22 6 77 6 77 1 72 6 77 1 72 6 और 72 1 के। उम्मीद करता हूँ ये रूटीन, ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।